आधुनिक भारत का सूत्रधार करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। महज 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा और 9वें प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल करने वाले राजीव गांधी को आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश में तकनीक के प्रयोग को प्राथमिकता देकर कंप्यूटर के व्यापक प्रयोग पर भी जोर डाला। भारत में कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए उन्हें कई विरोधों और आरोपों को भी झेलना पड़ा, लेकिन अब वह देश की ताकत बन चुके कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। राजीव गांधी महज एक नेता ही नहीं बल्कि उससे भी एक कदम आगे एक स्वप्न दृष्टा थे। राजीव गांधी ने एक मजबूत भारत का सपना देखा था जिससे गांव-गांव तक हर सुविधा पहुंच सके, जो तरक्की की नई मिसाल कायम कर सके और जिसका हर नागरिक पढ़ा लिखा हो। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि, पेयजल और पंचायती राज जैसे बुनियादी कार्यों पर जोर दिया। विकास को समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी ने लाइसेंस राज के खात्मे और आर्थिक गतिविधियों पर लगी तमाम बंदिशें हटाने की शुरुआत की थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि में होने के बावजूद राजीव गांधी ने कभी भी राजनीति में रुचि नहीं ली। भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था में राजीव गांधी का प्रवेश केवल हालातों की ही देन था। राजीव गांधी के नेतृत्व में दिसंबर 1984 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत हासिल हुआ। राजीव का सपना भारत को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अगुआ बनाने का भी था, ताकि 21वीं सदी में भारत दुनिया के तमाम देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। राजीव गांधी का ध्यान समाज के कमजोर और वंचित तबकों पर खास रूप से रहता था। इसी वजह से उनके कार्यकाल में हथकरघा, पावरलूम, खादी, खाद्य प्रसंस्करण और लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। साथ ही ग्रामीण दूरसंचार नीति पर भी विशेष ध्यान दिया गया। आम लोगों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी ने अपनी ओर से विशेष प्रयास किए, जिसके आधार पर ही 73वें संविधान संशोधन के जरिए बाद में देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और यही वजह है कि आज देश भर में चुने हुए ग्राम पंचायत प्रतिनिधि अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में उनका निधन हो गया। इस दिन को आतंकवाद रोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी आज भले ही हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलकर आज भारत विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।